हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर की जो टोटियाँ होती हैं तो उसमें कभी कई बार ऐसा होता है कि वो चलती नहीं है, मतलब पानी कम आता है या जाम हो जाती है। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो चलो आज मैं प्रैक्टिकल आपको वही बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर इस टाइप की टोटी है या आपकी किसी टाइप की, देखो मेरी तो फिलहाल इस टाइप की टोटी, तो मैं इस टाइप की टोटी के बारे में आपको बता रहा हूँ, और लेकिन काम करना है कैसे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके ऊपर ये प्लेट है, ये हटानी है, और उसके बाद इसका ये स्क्रू खोलना है। अगर जाम है तो आपको दिख जाएगी कि मेरी टोटी जाम है, ये स्क्रू खोलना होता है इसका। ये स्क्रू इसका खोलना होता है और ये लॉकिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, मैं जैसे कि दिखा देता हूँ कैमरे में, और यहाँ पे भी लॉकिंग सिस्टम होता है। और इसको खोलने के लिए आप प्लास का यूज मेरे हिसाब से तो कम ही करना, क्योंकि इसकी चूड़ी अगर खराब होगी तो फिर या ये हिस्सा जो है ये काम करना कम कर देता है। तो मैं इसको खोलता हूँ, इसको तो जैसा कि मैंने इसको निकाल लिया इसके अंदर से, इसके अंदर तो कोई भी कचरा नहीं है, और इसको चलो खोलते हैं। तो इसको यहाँ से ये जो चूड़ी बनी हुई है इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करना होता है तो ये ऊपर आ जाता है। अब इसके ये रबड़ निकलती है एक, और ये इसके ये पत्थर होते हैं दो नाजुक से, अगर ये टूट जाएंगे तो फिर समझ लो कि टोटी हमारी खराबी है। और मैं इसको भी निकालूंगा, और इसको निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ से प्रेस करना होता है, और ये प्रेस जब करोगे तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर तो देखिए कोई भी कचड़ा नहीं है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर कचड़ा है, इसके अंदर कचड़ा है, तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो ये इसके अंदर रबड़ टाइप की एक, तो ये मैं फेंक देता हूँ। तो वापस इसको लगाना कैसे देख लो, इसके अंदर ये बिल्कुल खांचे बने हुए होते हैं, इस खांचे में ही खांचा ये लगता है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लगता है। और इसको इसके अंदर ऐसे ही डालना है, ये ऐसे मैंने डाल दिया। और जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे इस साइड भी नक्का बना हुआ है, इस साइड भी नक्का बना हुआ है, और यहाँ पे भी दे रखा है कि किस तरीके से डालना है, तो इसको इसी के ही एरिया में ही डालना है, ठीक है। और बाकी ये रबड़ रही, रबड़ का ये वाला हिस्सा अंदर की साइड जाता है, तो इसको इसके अंदर हम डालेंगे। तो जैसा कि मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसको वापस इसके अंदर लगाऊंगा और मैं इसको कस दूंगा। मैंने इसको कस दिया, और वापस से मैं इसको भी चूड़ी बैठानी होती है इसकी, और मैंने ये बैठा दी है। ये चूड़ी मैंने बैठा दी है इसकी, और फिर मैं इसका स्क्रू लगा दूंगा, और मैं इसे कस दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से टोटी मतलब आप क्लीन कर सकते हैं, आपको इससे क्या होगा कि आप नई टोटी परचेस करने से बच जाएंगे, क्योंकि टोटी भी आती है मार्केट में 120 रुपए के आसपास, 100 रुपए के आसपास, तो 100 रुपए तो आपके कम से कम बच गए। तो बस आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही।